दोस्तों स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार एसएससी जो कि 11,000 वैकेंसी आया है उसका लगातार हम एनालिसिस करा रहे हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए और नोटिफिकेशन आपको वीडियो का जल्द से जल्द मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, एक एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक होता है, तो वह अंक क्या है? लेट वह अंक है आपका, वह अंक हो गया एक्स। ठीक है, यहाँ पे वो वाला अंक हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो जो जो बोल रहा है उसको उसको हम लोग करते चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 7 गुना, तो यहाँ पे कर देते हैं 7 गुना में से 15 घटाने पे, इसमें हम लोग -15 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे -15 कर दिए। ठीक है, 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक होता है, यानी कि इस 7 गुना में -15 करेंगे तो वो जो अंक है उसका 2 गुना बोल रहा है, तो 2x करेंगे, 2x, और ये दुगने से 10 अधिक होता है यानी कि +10 है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक होता है। 7 गुना करके हम लोग 15 अगर घटाएंगे तो जो अंक है उसका दुगुना जो करेंगे उससे 15 अधिक होगा, ये बोल रहा है। तो 2x को हम लोग इधर लाएंगे, 15 को उधर लाएंगे, तो 7x-2x इज इक्वल टू 15 ऑलरेडी है और ये उधर जाएगा तब प्लस में 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो 7x-2x इक्वल टू हो गया 5x, यहाँ पे हो गया 15 15 30, ये कट गया, x इक्वल टू आ गया 6, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 15 है। ठीक है, यहाँ पे 15 है, एक्स इक्वल टू आ गया 6। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है a+b एक काम को 4 दिनों में करते हैं, ये उस काम को 12 दिनों में करता है, तो b उस काम को कितने दिन में करेगा? इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, a+b दिया है और a दिया है, तो एक b कितना दिन में करेगा, तो b का मान लेके लेंगे 12 × 4 कर दीजिए, 12 × 4 अपॉन 12 − 4, 12 − 4, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा 12 × 4, और 12 − 4 गया 8, यहाँ पे 4 × 2 = 8, 2 × 6 = 12, बी उस काम को 6 दिनों में करेगा। ठीक है, इसका एक और मेथड है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये तो ट्रिकी मेथड हो गया, एक सिंपल सा मेथड है। देखिए 12 और 4 का एलसीएम होगा आपका 12। ठीक है, तो 12 यूनिट एक मान के चलिए कि काम है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, बी 12 दिन में कर रहा है, यानी कि ये सॉरी ए 12 दिन में कर रहा है, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ठीक है, जैसे 12 पेन बनाना है और 12 दिन लगा रहा है, तो ए एक दिन में एक पेन बना रहा है और a+b 4 दिन में कर रहे हैं, तो a+b 4 दिन में 12 पेन बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 12 बटा में 4 यानी कि 3 बनाएंगे। a+b आपको दिया है 3 और ए दिया है यहाँ पे 1, अब +b = 3, तो b कितना पेन बनाएगा एक दिन में, 3 − 1 यानी कि 2, b एक दिन में 2 पेन बना रहा है, कितना पेन बनाना है इसको, 12 पेन बनाना है, तो 12 बटा में 2 यानी कि 6 दिन इसको लगेंगे। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं 6 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 पुस्तकों का क्रयमूल 1 पुस्तकों के विक्रयमूल के बराबर है, यदि लाभ परसेंट 25% है तो एक्स का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक पुस्तक का क्रयमूल हम लोग मान लेते हैं 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया है, अपने से माना है एक्स पुस्तक का क्रयमूल 1 रुपया है, तो हम लोग 20 पुस्तक का क्रयमूल कितना होगा, 20 पुस्तक का क्रयमूल हो जाएगा क्रयमूल बराबर 20 रुपया, और यही आपका एक्स पुस्तक का विक्रयमूल हो जाएगा, पुस्तक का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमको जानते हैं कि एक पुस्तक हम खरीद के लाए हैं 1 रुपया में, अब इसी को हम लोग उठाते हैं, एक्स पुस्तक का विक्रय मूल्य आपको दिया है, एक्स पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया है आपका 20 रुपया। ठीक है, एक्स पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया है 20 रुपया और लाभ प्रतिशत है आपका 25%। ठीक है, 25%, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एक्स पुस्तक का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक्स पुस्तक का, यहाँ पे एक्स पुस्तकों की संख्या है जो बेचा गया है, एक्स पुस्तक का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं,
तो 20 रुपया है इसका विक्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत है 25%, तो यहाँ पे 100 बट्टा में आपका आ जाएगा 125। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, ये 5, ये 4, यानी कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 16 रुपया। और हम लोग जानते हैं कि एक पुस्तक को 1 रुपया में खरीदे हैं, तो ये 16 रुपया आया है, तो 16 पुस्तक को 16 रुपया में खरीदे होंगे, इसलिए आपका एक्स का मान आ जाएगा 16, इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी।